शशि शुक्ला डॉट कॉम किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको खमन ढोकला बनाना बताने जा रही हूँ, जो बहुत ही फ्लफी बनेगा। जिस हिसाब से मैं मेजरमेंट बता रही हूँ उस हिसाब से आप बनाइएगा। तो ये देखिए, मैंने एक बाउल में बेसन लिया है। ये 1.5 कप के लगभग बेसन है, लगभग 320 ग्राम के लगभग ये बेसन मैंने ले लिया है। इसको अच्छे से छान लिया था, छानने से इसमें लम्ब्स नहीं पड़ेंगे। और इस बाउल में मैं 2 चम्मच में ये देखिए चीनी ले रही हूँ, 2 टीस्पून चीनी है, 1 चुटकी हींग ले लिया है मैंने, 1/2 छोटा चम्मच नमक ले लिया है, और इसमें मैं 1 नींबू निचोड़ दूंगी। 1 नींबू आपको निचोड़ देना है, 1 नींबू का रस चाहिए हमें इसके लिए। ये देखिए, हमने सारा नींबू का रस निचोड़ लिया है। अब हम इसमें पानी डाल देंगे। पानी हमें लगभग 300 ml के लगभग लेना है। फिर कम होगा तो आप नॉर्मल पानी भी ले सकते हैं। पहले हमें इसको घोल लेना अच्छे से, ताकि चीनी हमारी अच्छे से घुल जाए। फ्रेंड, अब हम इस जिसमें हमने बेसन छाना है उस बाउल में 1/2 छोटा चम्मच के लगभग हम हल्दी डालेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से हल्दी को। अब हम ये पानी थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे। अब हमें इस पानी में बेसन नहीं डायरेक्ट डालना है, नहीं तो लम्ब्स पड़ जाएंगे। आप बेसन में पानी मिक्स करिएगा। धीरे धीरे करके हम पानी को, जो हमने घोल बनाया था नमक चीनी का, उसको हम इसके साथ मिक्स करते जाएंगे और अच्छे से इसको हम लम्ब्स फ्री फेंटते जाएंगे। धीरे धीरे करके डालिएगा। लगातार हमें इसे 2 से 3 मिनट चला के अच्छे से फेंटना है। जितना हम इसको अच्छे से फेंटेंगे, उतना आपका खमन ढोकला फ्लफी बनेगा, बिल्कुल स्पॉन्जी बनेगा। तो इसलिए हमें इसको अच्छे से फेंटना ज़रूरी है। 2 से 3 मिनट एक ही डायरेक्शन में आप इसको फेंटते रहिए। और जितना हमने पानी लिया था, बिल्कुल मेजरमेंट सही है। हमें ऐसी ही इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए। ज़्यादा हमें इसको ना पतला चाहिए, ना ही ज़्यादा गाढ़ा चाहिए। फ्रेंड, अब हमें इसको ढक के 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। थोड़ा सा ये फूल जाएगा, उसके बाद हम इसमें और जो भी चीज़ें ऐड करनी है ऐड करेंगे। ये देखिए फ्रेंड, 10 से 15 मिनट हो गए हैं। बेसन को हमने घोल के छोड़ दिया था रेस्ट करने के लिए। अब हम इसे फिर से 1 से 2 मिनट के लिए फिर से फेंट लेंगे। अभी हमने इसमें कुछ ऐड नहीं किया है, लेकिन अभी हमें इसको फिर से फेंट लेना है अच्छे से। फ्रेंड, अब हम इसमें 1 टेबल स्पून इनो डाल देंगे। मैंने इसमें 2 पाउच खोले हैं, 2 पाउच 1 टेबल स्पून हो गया है। और अगर आपके पास शीशी में हो तो आप उसको 1 टेबल स्पून मेजरमेंट करके ले लीजिएगा। इतने बेसन के लिए 1 टेबल स्पून ही चाहिए होगा हमें। अब हमें इसको अच्छे से फेंटना है, ताकि जो है ये सारे में अच्छे से मिल जाए। और इनो डालने से पहले आप जो है अपना जो है स्टीमर तैयार रखिएगा, और ग्रीस करके आप जिसमें आपको जिस कंटेनर में भी बनाना है उसको भी तैयार रहिएगा रखिएगा, चाहे बाउल हो चाहे कुछ भी हो। ये देखिए, अच्छे से फूल गया है और मिक्स हो गया है। अब हम इसे कंटेनर में डालेंगे। ये मैंने ग्रीस कर लिया है, कंटेनर ले लिया था, ये केक टिन है, मैं इसी में डालूंगी। ये देखिए, सारा मैं इसमें पलट लूंगी। अच्छे से आप मिक्स जरूर कर लीजिएगा, और हल्दी आप बहुत ज़्यादा नहीं डालिएगा, इससे जो है लाल लाल हो जाएगा आपका ढोकला। ज़्यादा हल्दी डालने से ढोकले का कलर चेंज हो जाता है। अच्छे से हमने सारा पोंछ के इसमें डाल दिया है। थोड़ा सा हम इसको टैप कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, मैंने स्टीमर तैयार कर लिया है। एक कढ़ाई में मैंने पानी रखा है। पानी बर्तन से नीचे रहना चाहिए, जो आप इसमें जिसमें आप ढोकला रखेंगे उससे थोड़ा नीचे रहना चाहिए। और मैंने एक स्टैंड रख दिया है, ये देखिए, इस पर मैं ढोकला रख लूँगी और इसको मैं ढक दूँगी। ढक के इसको 20 से 25 मिनट पकने देना है, स्टीम इसको देना है। ये देखिए, मैंने अच्छे से ढक दिया है, कहीं से स्टीम निकलेगी नहीं। अब 20 से 25 मिनट आप इसको पकने दीजिएगा। फ्रेंड, 15 मिनट हो गए हैं। एक बार हम अपना ढोकला थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, टूथपिक डाल के हो गया है या नहीं। तो ये देखिए, टूथपिक बिल्कुल क्लीन निकल रही है, तो इसका मतलब ये हो चुका है। अगर टूथपिक पे गीला गीला आपको लगा मिले तो इसका मतलब नहीं हुआ है। अब हम ढोकले को बंद कर देंगे, इसको गैस को, और इसको अभी हम इसी में छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। थोड़ा सा ये नॉर्मल हो जाएगा, तब तक हम इसका पानी तैयार कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड, हमने एक पैन रख लिया है। इसमें सिर्फ हम 1 टीस्पून के लगभग ऑयल डालेंगे, बहुत ज़्यादा हमें तेल की ज़रूरत नहीं है। इसको हम गर्म होने देते हैं। तेल गरम हो गया है, इसमें मैंने 1 चम्मच राई ले ली है और 10 से 15 करी पत्ते ले लिए हैं। इनको थोड़ा सा हम तड़कने देते हैं। फ्रेंड, राई डालने के बाद थोड़ा सा ढक लीजिएगा, नहीं तो आपके ऊपर छटक के आएगा। ये देखिए, हमारी राई अच्छे से फूट चुकी है। अब हम इसमें हरी मिर्च डाल देंगे। मैंने 4 से 5 हरी मिर्च डाली है,
और इसमें हम पानी डाल देंगे। मैं लगभग 200 ml के लगभग पानी डालूंगी, क्योंकि हमें थोड़ा ढोकला जूसी चाहिए। सारा पानी ढोकला सोख जाता है, इसलिए इसमें हमने 200 ml के लगभग पानी डाल दिया है। अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। अब हम इसमें 2 टेबल स्पून चीनी डालेंगे। तो ये टी स्पून है, इससे मैं 4 डाल दूंगी, और अगर आपके पास टेबल स्पून है तो आप 2 ही डालिए। इसको हम अच्छे से मेल्ट होने देते हैं चीनी को इसके साथ। थोड़ा सा हमें इसको बस मेल्ट करना है, इसका सीरा हमें नहीं बनाना है। आधा छोटा चम्मच हम इसमें नमक डाल देंगे और हम इसमें नींबू का जूस डाल देंगे। थोड़ा सा पहले पक जाएगा, उसके बाद हम नींबू का जूस डालेंगे, नहीं तो कड़वा हो जाएगा नींबू का रस। ये देखिए फ्रेंड, अब हमारा ये जो हमने शुगर सिरप बनाया था ढोकले के लिए वो पक गया है। इसको हम नींबू डाल के गैस बंद कर देंगे और इसको हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। इसको हमें गुनगुना ही रखना है, बहुत गर्म नहीं रखना है। और जो ढोकला हमने बनाया वो भी बहुत ज़्यादा, ढोकला भी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। तो दोनों चीज़ों को हमें थोड़ा सा गुनगुना कर लेना है, तब तक ये भी ठंडा हो जाएगा और ढोकला भी ठंडा हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड, अब हमारा ढोकला ठंडा हो चुका है थोड़ा सा। वैसे हमने ऑयल लगाया था तो ये अपने आप ही किनारा छोड़ दिया है ढोकले ने। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल देंगे, ये देखिए ऐसे पलट लेंगे। और अगर आप इसको अच्छे से ग्रीसिंग करेंगे तो ये अच्छे से छूट जाएगा। ये देखिए आप ढोकला कितने अच्छे से छूट चुका है और कितना स्पॉन्जी बना है, ये देखिए। मैं इसको फिर से पलट लूँगी, सीधा कर लूँगी। अब हमें इसको काट लेना है। ये सारे काम आप थोड़ा ठंडे होने पर ही करिएगा, नहीं तो ये टूटने लगेगा। काट लेंगे हम इसको जैसा आप पीस चाहते हो। ये देखिए फ्रेंड, हमने ढोकला कट कर लिया है। अब हम इसके ऊपर ये शुगर सिरप डालेंगे अच्छे से, सब तरफ हमारा ये सिरप फैल जाना चाहिए। अभी ये सारा सिरप जो है ये पी लेगा ढोकला हमारा, और भी स्पॉन्जी हो जाएगा इससे, और इसी से टेस्ट आता है। चलिए हम सारा शुगर सिरप इस पर डाल देते हैं ढोकले पर। ये देखिए फ्रेंड, मैंने शुगर सिरप डाल दिया है। मैं ऊपर से थोड़ा सा धनिया भी डालूंगी, जिससे देखने में भी अच्छा लगे और टेस्ट भी अच्छा है। ये फ्रेश हरा धनिया है। और ये देखिए हमारा ढोकला बिल्कुल रेडी है। मैं आपको एक उठा के दिखाती हूँ कितना स्पॉन्जी बना है। फ्रेंड ये देखिए स्पॉन्जी, देखिए कितना बना है। मैं इसको ऐसे प्लेटिंग करती जाऊँगी। ये देखिए फ्रेंड, हमारा ढोकला बन के रेडी है। आप इसको ठंडा करके खाइए, गरम गरम नहीं खाएंगे। इसको फ्रिज में रख दीजिए 3 से 4 घंटे के लिए, अच्छे से ठंडा हो जाए, फिर खाइए। और जो जो मैंने टिप बताई उसको फॉलो करिए। और आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो कमेंट जरूर करिए फ्रेंड, और शेयर भी करिएगा। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।